अगले सवाल में देखिए क्या बोला गया है. अ कैरनॉट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 ओके इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर. ओके भाई ठीक है. इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वॉयर क्या होगी. देखिए क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ईटा दिया हुआ है 1/10 पहले इंजन है तो इंजन का ईटा 1/10 दिया हुआ है तो ये हो गया 1 टी लोअर अपॉन टी हायर. तो यहां से हम निकाल सकते हैं टी लोअर अपॉन टी हायर क्या आ जाएगा 1 - 1/10 दैट इज 9/10 ये हमें हेल्प मिल गई. अब आते हैं बात कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस की. तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस में कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर. ये मान लीजिए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर अगर क्यू है तो डिवाइडेड बाय वर्क. अब वर्क यहाँ पे 10 जूल दे रखा है तो 10 जूल लिख देते हैं और ये होता है लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर दैट इज एच माइनस टी एल ये होता है. अब हमें देखिए यहाँ पे TL ये हमें गिवन है TL by TH गिवन है तो एक काम कर सकते हैं TL से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon TH by TL. TH by TL यहाँ पे 10/9 हो जाएगा 10/9 - 1 ये बचेगा और ये सॉल्व करेंगे तो 10 - 9 ये आ जाएगा 9. अब आप देखिए जो Q की वैल्यू है 90 जूल आ रही है तो B हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे.